मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। हाँ, अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया है, अभी चर्चा हो रही थी ना स्नान की, तो इन्होंने पूछ लिया कि गर्म पानी का स्नान या ठंडे पानी का स्नान। आयुर्वेद में बहुत स्पष्टता से लिखा गया है कि गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, स्नान में हमेशा ठंडा पानी ही रखना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब जो सामान्य तापमान का पानी है, वही पानी से स्नान करना अच्छा होता है। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, मान लीजिए आपको ज्वर है, ज्वर माने फीवर है, बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और आप नहाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वस्थ है शरीर तो बिल्कुल भी गर्म पानी से मत नहाइए, नहीं तो बीमारी आएगी। और आयुर्वेद में बहुत सख्ती के साथ एक सूत्र लिखा गया है भागवत संहिता में कि सिर के ऊपर गर्म पानी अगर आपने डाला तो तैयार रहिए, 123 रोग आपकी जिंदगी में आएंगे। सिर के ऊपर अगर गर्म पानी डाला तो 123 रोग आपके जीवन में आएंगे, मानसिक रोग भी हो सकते हैं वो और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। इसलिए सिर के ऊपर कभी भी गर्म पानी मत डालिए। वैसे तो गर्म पानी से नहाइए मत, मैं आपसे कहता, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, आदत बुरी पड़ गई है। महाराष्ट्र के लोगों को ये बहुत बुरी आदत है, गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो अगर आदत बुरी पड़ गई है, शरीर को लग गया है इसका, तो आप ऐसा करिए कि गर्म पानी शरीर के किसी भी अंग पर डालिए, सिर पर मत डालिए, सिर को बचाइए कम से कम। सिर को डालने के लिए ठंडा ही पानी रखिए, साधारण पानी। सिर और आंख ये दोनों गर्म पानी से बचने चाहिए। क्यों बचने चाहिए, कारण मैं बता देता हूं। ये सिर और आंख दोनों जो है ना, कफ का स्थान है। हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ। तो ये जो सिर है, सिर यहां सबसे ज्यादा कफ रहता है, आंख और सिर में सबसे ज्यादा कफ रहता है, और कफ और गर्म पानी की खतरनाक दुश्मनी। अगर गर्म पानी दें तो कफ और तेजी से बढ़ता है, इसलिए सिर और आंख दोनों को गर्म पानी से बचाना चाहिए। आंखों को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोइए, सिर को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोइए, बाकी शरीर को थोड़ा गर्म पानी डालें तो चलेगा, नहीं तो मेरा सुझाव है कि गर्म पानी डालिए ही मत, ठंडे पानी से ही नहाइए। आदत डाल दीजिए, शरीर में आदत पड़ जाए। जी, ठंड काल में भी आप कोशिश ये करिए कि बहुत गर्म पानी ना रहे, कोमट पानी रहे, हल्का गर्म पानी रहे, गुनगुना पानी रहे। बहुत गर्म पानी उस समय भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए। नहीं, पानी का ठंडी से कोई संबंध नहीं। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी गैर समझ है, वो ये कि ठंड पानी से नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। सर्दी का पानी से कोई रिश्ता नहीं है, सर्दी का रिश्ता पोट से है। पोट खराब होगा तो जरूर सर्दी होगी। जिनको संडास साफ नहीं होती, बार बार जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, मलबद्धता रहती है, कब्जियत रहती है, उनको ही सर्दी सबसे ज्यादा होती है। पानी का सर्दी से कोई संबंध नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ठंडे पानी से नहाने से सर्दी होती है, बिल्कुल नहीं होती। सर्दी उनको होती है जिनको पोट साफ नहीं होता, उन्हीं को सर्दी होती है। ये उनके लिए है जिनको शरीर में कोई भयंकर दर्द है। अगर शरीर में आपको मसल्स पेन है, दो तरह के पेन होते हैं, एक तो बोन्स में है, हड्डियों में, और दूसरा मांसपेशियों। मांसपेशियों का अगर कोई भयंकर दर्द है तो ठंडे गर्म पानी से नहाने पर बहुत आराम मिलेगा। एक बार ठंडा पानी डालिए, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा, फिर गर्म, तो मांसपेशियों का दर्द आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्वस्थ हैं आप तो ऐसा मत करिए, खाली ठंडे से ही नहाना ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।